नमस्कार और स्वागत है आपका हमारी इस खास सीरीज बूंद में, जिसके जरिए हम आपको ये बताते हैं कि जल संरक्षण और जल संचय पर उत्तर प्रदेश सरकार के योगदान से कैसे यहाँ की तस्वीर बदल रही है। इस एपिसोड में आज हम आपको मिलवाएंगे उत्तर प्रदेश के उन जांबाज जल रक्षकों से, जिन्होंने गांव-गांव घूमकर जल आंदोलन के प्रति लोगों को जागरूक किया और उन्हें पानी का महत्व भी समझाया। साथ ही हम आपको मिलवाएंगे मिर्जापुर के परमार्थ एनजीओ के संजय सिंह से, जिन्हें उनके सराहनीय काम के लिए हाल ही में नेशनल वाटर मिशन की ओर से 2 लाख रुपए का पुरस्कार मिला। जल शक्ति अभियान के पूर्व उत्तर प्रदेश के कई जिले ड्राई जोन में अंकित किए गए थे। पानी की समस्या का निवारण करने और अभियान को सार्थक करने हेतु सामने आए उत्तर प्रदेश के ये जल रक्षक। मैं पटियारी चकिया का जल रक्षक। मैं हूँ जल रक्षक प्रकृति श्रीवास्तव। मैं हूँ जल रक्षक हर्ष पांडे। हम हैं जल रक्षक। जल शक्ति अभियान की शुरुआत के साथ ही शुरू हो गया एक ऐसा सिलसिला जो प्रदेश को जल संकट से निकाल के ही थमेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बच्चे, बूढ़े, किसान और जवान सभी सम्मिलित हो चुके हैं। 200 से अधिक विकास खंड प्रदेश के अंदर ऐसे थे जो डार्क जोन में जा चुके थे, जहां पर ट्यूबवेल के कोई कनेक्शन नहीं मिल रहे थे, कोई हैंडपंप काम नहीं कर रहा था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, पिछले 2 वर्ष के दौरान जो हम लोगों ने लगातार कार्य किया, उसका परिणाम रहा कि आज हम लोगों ने वहां पर डार्क जोन से उसमें से अधिकतर विकास खंडों को उभारने में हमने वहां पे सफलता प्राप्त की है। संगम की धरती प्रयागराज से मात्र 30 किलोमीटर दूर बहादुरपुर प्रखंड भी राज्य के ड्राई जोन में से एक था। हमारे यहाँ पानी की जटिल समस्या थी, तो जगह जगह पर सारे गांव में हैंडपंप पानी छोड़ देते थे, तालाब में पानी नहीं हुआ करता था और पेड़ पौधे नहीं हुआ करते थे। गाँव की समस्या का निवारण करना पूरे गाँव का दायित्व था। इसके लिए पहला कार्य था गांव के बच्चे, बूढ़े और सभी को सजग कर एकजुट करना। हमारे तालाब में 2015 के पहले पानी नहीं हुआ करता था, वहां पे तमाम तरीके से ऐसी समस्या थी जिस कारण से इतना बड़ा हमारा 8 बीघे का तालाब है, तो मैं उसमें लोगों के सहयोग के द्वारा उसमें पौधे वृक्षारोपण करवाया, देख रेख किया। उसके बाद आज जा कर के देखिए जिस तरीके से हमारे तालाब में पानी भरा हुआ है, लगभग 3 मीटर पानी है। गांव के सामने फिर समस्या थी हैंडपंप से बर्बाद हो जाने वाले पानी के संरक्षण की और उपाय था सोखता। यह कार्य वर्षा जल संरक्षण के लिए किया जा रहा है। सर्वप्रथम इसमें जो हमारे यहाँ हैंडपंपों के पास बोर खराब हो गए थे, उसमें हम लोग वर्षा के जल को संरक्षित करने के लिए यह एक उत्तम विधि था जो धरती धरातल के प्रथम स्टेटा को रिचार्ज करेगा। इस बोर की गहराई लगभग 180 फीट है, जिसके चारों तरफ 2 मीटर बाई 2 मीटर का एक गड्ढा खुदाई करा करके, 2 मीटर गहरा का गड्ढा खुदाई करा करके इसके तरफ एक दीवाल की बाउंड्री वॉल करा दी गई, जिसमें चारों तरफ से BOB ईट गिट्टी को भर दिया गया है और इस पाइप में छोटे छोटे छिद्र करके उसमें जाली नुमा बना करके ऊपर से इसमें जाली को बना दिया गया, जिससे कि इसके अंदर कोई खरपतवार और मिट्टी वगैरह के कण अंदर न जा सके। पहले पानी भरने के लिए हम लोग दूर जाया करते थे, 2 किलोमीटर पानी भरने जा पानी छोड़ देता था। अब पानी सही देने लगा, अब मच्छर भी नहीं लगता, यहाँ पानी जाता है सप्ताह में, इससे हम लोग की सफाई बन गई है। इसमें प्रयागराज के बहरिया प्रखंड में गाँव वालों को प्रेरणा देने सामने आए ये नन्हे जल रक्षक, जो स्कूल में बने सोखते से सीख अपने घरों में भी इसका निर्माण करवाने में जुट गए हैं। जल बिना जीवन संभव नहीं है। मैं हूँ जल रक्षक तरुण गुप्ता। मैं जल रक्षक, मेरा नाम है प्रियांशु यादव, मेरा काम है पेड़ों को लगाना बचाना। हमारे बच्चे उसमें बहुत योगदान करते हैं, घर में भी जाके अपने बताते हैं और वृक्षारोपण भी हमारे बच्चों ने बहुत किया है और हर बच्चा पेड़ के अपनी देखभाल करता है। इनसे क्या फायदा मिलता है, पेड़ों से क्या लाभ है, इसके बारे में भी बच्चों को बताया जाता है। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री मोदी से प्रेरणा लेकर के, और पहले हुआ कि पहले जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसको इस बारे में ज्यादा जागरूक किया जाए और जाएंगे तो अपने माँ बाप और घर वालों से भी इसके बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो एक्टिव जाता होते हैं इन विषयों के बारे में।
तो हम लोगों ने इसलिए चुना कि वो हमारा कार्य भी देखेंगे और कैसे हम लोग जल बचा रहे हैं इस विधि को भी देखेंगे और जानेंगे, इसलिए हमने पहले विद्यालय को चुना, इसलिए कि जल है तो कल है और आने वाली पीढ़ी भी इस बारे में जागरूक हो, इसलिए हमने इस विषय को चुना था। इसी बीच 42 वर्ष के संजय सिंह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को सूखी की समस्या से निकालने में जुटे थे। जन शक्ति में ही जल शक्ति है, इसे सार्थक करने में जुटे संजय सिंह ने जल सहेली के नाम से 150 गांव में 735 महिलाओं का एक ऐसा सशक्त समूह तैयार किया जो आज बुंदेलखंड की काया पलट करने में लगा है। दो दशकों से लगातार सूखे के समस्या से जूझ रहा है, भूगर्भीय जल स्तर नीचे जा रहा है और पानी के जल स्रोत फरवरी के बाद से लेकर जून तक अधिकांश इलाकों में पानी का संकट उत्पन्न हो जाता है। इसके लिए हमने गांव-गांव में पानी पंचायतें बनाई, जल सहेलियां बनाई। आज बुंदेलखंड के 300 से अधिक गांवों में हमारी जल सहेलियां और पानी पंचायत हैं। बुंदेलखंड में 1500 से अधिक जल संरचनाएं अलग अलग प्रकल्प के तहत बनाई हैं और इन 1500 से अधिक जल संरचनाओं के बीच में 100 से अधिक गाँव को पानी के संकट से मुक्त करने में प्रथम दृष्टता हम सफल हुए हैं। हैंडपंप रिपेयरिंग करने की ट्रेनिंग दी तो हम लोगों को किट मिली हैंडपंप सुधारने की, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है हैंडपंपों में पहले महीनों पड़े रहते थे, हम ही लोग परेशान होते थे तो कुआं का पानी लाते थे भर के और हैंडपंप पड़े रहते थे, प्रधान से बोलते थे तो नई मैकेनिक बुलवाता था तो महीनों पड़े रहते थे, अभी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाती तो हम ही लोग कर लेते ठीक। अपने प्रयासों से बुंदेलखंड के जल स्तर में वृद्धि करवाने वाले संजय सिंह और उनके एनजीओ परमार्थ को नेशनल वाटर मिशन अवार्ड्स ने 2,00,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया है। उत्तर प्रदेश में फैलते जन जागरूकता से जल शक्ति अभियान मात्र 45 दिनों में एक जल आंदोलन बनकर सामने आया है। तो देखा आपने कैसे इन जल रक्षकों की बदौलत उत्तर प्रदेश के जल संकट का निवारण किया जा रहा है। आप भी इस अभियान में शामिल हो सकते हैं और जल संकट से जूझ रहे अपने आसपास के इलाकों को एक नया जीवन दे सकते हैं। बुंदेलखंड के बांदा जिले के जखनी गांव ने एक अनूठी मिसाल पेश की है। यहाँ के लोगों ने खेतों के आसपास मेड़ बनाई और उसके चारों ओर पेड़ लगा दिए जिससे पानी का संचय हो सके और खेतों में साल भर लबालब पानी मिल सके और वो हरे भरे रहें। चले देखते हैं जखनी गांव की कहानी। उत्तर प्रदेश का बांदा जिला जो सालों से पानी की कमी से जूझता रहा है, इस प्राकृतिक संसाधन की कमी ने यहाँ के गांव खासकर किसानों के लिए काफी मुश्किलें भी पैदा कर दी हैं। इस जिले ने ऐसा भी दौर देखा है जब गांव के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसे हैं। पहले भूतपूर्व जमाने में हमारे जो है बड़ी बड़ी बंधियां थी कि वहां पानी लबरेज से भरा रहता था। जब चकबंदी आई तो उस टाइम पे सारी बंधियां टूट गईं, तो सन 80 में सूखा पड़ा। चकबंदी में के दौरान बड़े बड़े जो बंधान थे, बड़े बड़े बंधियां थी बुंदेलखंड में, वो सारी काट दी गई और उनके कारण पानी यहाँ से पलायन करके चला गया। 78 में ये चकबंदी यहाँ आई थी और 78 से लगा के 88 तक चकबंदी में चक वगैरह सेटलमेंट लोगों के हुए। चकबंदी, चक का मतलब था एक जो चक 100 बीघे का होता था, तो वो तो सरकार ने नहीं किया पर जो पानी था वो चला गया। इसकी वजह से यहाँ से लोग पलायन कर गए, रोजगार के साधन नहीं थे, खेतों में जो बीज लोग डालते थे वो उतना ही पैदा होता था। जखनी गांव के बाशिंदे राजा वर्मा के लिए यहां की जिंदगी चुनौतीपूर्ण थी। नौकरी की कमी और खेतों में पानी की कमी की वजह से रोजगार का कोई स्रोत नहीं था। हालात से मजबूर राजा वर्मा के पास गांव छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। आखिर उसे अपने परिवार का पालन पोषण भी तो करना था। राजा वर्मा गांव छोड़कर दूसरे शहर चले गए। किसानी का काम करते हैं, साथ में चरखा भी चलाते हैं पार्ट टाइम में। यहाँ खाने पीने का होता नहीं था, जो बीज खेत में डालो वो बीज निकलता था, खाने के लिए नहीं हो पाता था। तो 1993 में मैं यहाँ से चला गया था जयपुर। इसके बाद हमने सोचा कि प्रदेश में हम कब तक रहेंगे, जब तक जवानी है जब तक रहेंगे,
इसके बाद वृद्धावस्था में हम क्या कर सकते हैं। सालों बाद गांव से एक अच्छी खबर आई। गांव में पानी की समस्या का निवारण हो रहा था और ये हुआ उत्तर प्रदेश सरकार के जल संरक्षण और जल संचय अभियान के तहत। इसी के तहत जखनी गांव में पानी के बचाव के लिए कई कदम उठाए गए, जैसे तालाबों, कुओं और नदियों का पुनरुद्धार, साथ ही साथ वृक्षारोपण और रेन हार्वेस्टिंग पर भी काफी जोर दिया गया, जिसका असर गांव में दिखने लगा। सालों बाद राजा वर्मा अपने गांव वापस आ गए। तो लास्ट में वहां से वापस होके यहां आके हमने किसानी का काम किया, मेड़बंदी करवाई, खेतों में धान लगाया, गेहूं पैदा किया, साथ में एक चरखा भी ले लिया। तो खेती भी करते हैं, चरखा भी चलाते हैं और जो पार्ट टाइम में समय मिला तो और इधर उधर का काम लाइट का भी कर लेते हैं। पहले जो समस्याएं थी हमारे यहाँ बहुत जटिल थी, यहाँ के सारे लोग पलायन कर गए थे, यहाँ जो है मतलब कोई घर में मतलब युवक बचा नहीं था, सब लोग परदेश गुजरात, बम्बई, अहमदाबाद, मतलब हर जगह कमाते थे। हम भी रहे 12 साल गुजरात में रहे तो हमारे भी दिल में ये आया कि यार हम लोग भी अपने गाँव में कुछ करें, तो हमने आकर के यहाँ जगह जगह मेड़बंदी करवाई। मेड़बंदी पानी रोकने का सबसे बड़ा तरीका है, खेत के ऊपर मेड़ बनाओ, मेड़ के ऊपर पेड़ लगाओ, ये पुरानी पद्धति है। और मेड़ से क्या फ़ायदे हैं, जैविक जो तत्व होते हैं खेत के वो नहीं बहते हैं, और पूरे दुनिया की जो धान विधि पैदा करने का जो प्रयोग हुआ वो मेड़बंदी से हुआ है। यही मेड़बंदी हर यही हमारे गाँव की सोच के कारण जमरेई भी कराया, सहेवा भी कराया, घोरौंडा भी कराया, दोनों बठना कराया, सब मेड़बंदी करवाया। और जब से ये लाभ आया जो मेड़बंदी होने से पानी का जो है वाटर लेवल हमारा बढ़ा, नहीं पहले वाटर लेवल बहुत नीचे धंसा चला जाता था। अब आप बैसाख जेठ में आइए आपको 10 फीट में 8 फीट में पानी मिलेगा। ये हमारा कुआं बन रहा है, ये हमारी एक धरोहर थी 11वीं सदी की, ये जीर्ण छीण अवस्था में हो गया था, तो इसमें हमने इसकी मरम्मत कराते हुए जाल रखवाया कि हैंडपम्प, चूँकि अब लोग हैंडपम्प जब से आ गए कुआं का पानी पीना बंद कर दिया था, उसका जो है बिल्कुल प्रयोग बंद हो गया था, तो उसको पुनर्जीवित करने के लिए पुनः इसमें हमने प्रयास किया। कुआं हमारी संस्कृति थी, जब बच्चा पैदा हुआ कुआं की पूजा होती है, जब नई बहू घर में आती है तो पूजा होती है, तो तालाब और कुआं की तो पूजा हमारे यहाँ होती रही है। और आप जो हमारे मुसलमान समाज के लोग हों, एक महीने व्रत रहते हैं, उसका फ़ायदा जो है वह अलग बात है, लेकिन पानी बचाते हैं, वो तो उनका धर्म का मजहब है, अच्छी बात है। हम एकादशी रहते हैं, पानी नहीं पीते, पानी बचाते हैं। हमारी माताएं तीजा रहती हैं, उस दिन ही पानी बचाते हैं। हम मौन व्रत धारण करते हैं दीपावली में, उस पानी बचाते हैं। तो हर रूप में कहीं ना कहीं पूरी सृष्टि में अगर पूज्य है तो पानी पूज्य है। आज उत्तर प्रदेश सरकार जल संरक्षण और जल संचय के बारे में चेतना जगाने और इसकी ओर काम करने के लिए निवासियों को प्रेरित कर रही है, और यहाँ की प्रोत्साहित जनता इस अभियान में अपना पूरा योगदान दे रही है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्रदेश में पानी की किल्लत कभी दस्तक ना दे सके। जखनी गांव में कुल 33 कुएं हैं और सभी पानी से लबालब भरे हुए हैं। यहाँ के लोगों ने जल स्तर सुधारने के लिए जो कदम उठाए वो काफी प्रेरणादायक है और उनकी हिम्मत की कहानी को बयान करते हैं। हमारी इस सीरीज का मकसद भी यही है कि हम आप तक ऐसी कहानियां पहुंचाएं जिससे जल का ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण किया जा सके, क्योंकि जल है तो कल है।